न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो आइए शुरुआत करते हैं रेवाड़ी की बड़ी खबर से, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामविलास शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड पर्सन हैं। रामविलास शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं, लेकिन नकल करने में वह कभी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल रामविलास शर्मा आज रेवाड़ी में पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत में रामविलास शर्मा ने एसवाईएल को लेकर कहा कि पंजाब सरकार संविधान का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तमाम पार्टियों के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर रामविलास शर्मा ने कहा कि घोटाले करने वालों की जगह जेल में ही होगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 200% झूठ को 200% कॉन्फिडेंस के साथ बोलते। इस दौरान पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला भी उनके साथ मौजूद रहे। रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप पार्टी की बात कर ले, सारा घोटाला में तीसरा मंत्री भी जेल में गया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, आप तो बहुत देश में एक अभियान चल रहा है जी। 9 साल से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर मोर्चे पर, चाहे रेल चलाने में हो, चाहे हवाई जहाज चलाने में हो, मेडिकल कॉलेज 324 थे पूरे हिंदुस्तान में, आज 756 उनकी संख्या हो गई है। G21 का अध्यक्षता नरेंद्र भाई मोदी ने किया दिल्ली में, पूरा साल भर। आज पूरी दुनिया में, मैं आप सब मेरे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज इस देश में नरेंद्र भाई मोदी कोई पहला प्रधानमंत्री तो है? सरदार मनमोहन सिंह जी देश में प्रधानमंत्री थे, आप सब पत्रकार जानते हैं, शिकागो एयरपोर्ट पर कोट उतरवा लिया, जुराब उतरवा ली। और एक आज का प्रधानमंत्री है जो बाइडन कहता है, नरेंद्र भाई आप ऑटोग्राफ दे दो। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी इज द बॉस। गिनी पपैया का प्राइम मिनिस्टर पांव छू करके धन्यवाद करता है कि आप वैक्सीन नहीं भेजते, मेरा देश की आबादी खत्म हो जाती है। ये प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये 140 करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। 26 या 28 दल ऐसे हैं जो 9 साल से ना उनका कोई एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनके पास कोई एजेंडा है, एक नरेंद्र मोदी को गाली देने के सिवाय। और नरेंद्र भाई मोदी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो वो कहते हैं कि भी कांग्रेस फ्री राशन देने की गारंटी दे रही है, कोई फ्री बिजली देने की गारंटी दे रहा है। एक गारंटी नरेंद्र भाई मोदी भी दे रहा है देश के गरीब लोगों को कि गरीब के अधिकारों पर जो कोई भी डाका डालेगा, ये गारंटी नरेंद्र मोदी देता है कि उसको बड़े से बड़े आदमी को भी जेल भेजने की गारंटी नरेंद्र मोदी देता है। आप भाई जान, आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, शराब घोटाला दिल्ली सरकार का। सत्येंद्र जैन साहब 1 साल से जेल में है, मनीष जी सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली सरकार के 7 महीने से ज्यादा समय से जेल में है। अभी जो रिंग लीडर है, सिसोदिया जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत लगाई,
न्यायपालिका ने कहा नहीं, आप सबूत मिटाना चाहते हैं, आपको जमानत नहीं दी जा सकती। शराब घोटाले के मामले में आईबी के डायरेक्टर ने 8 घंटे सत्येंद्र जैन जेल में, सिसोदिया जी जेल में, विजय नायर जो इनके सहायक थे, महेंद्रू जो इनके विशेष सहायक थे, उन सबको केजरीवाल जी समेत इकट्ठा किया। केवल जैन साहब, ये शराब पॉलिसी, पहले ठेकेदार को 2% कमीशन मिलता था, आपने एकदम 12% क्यों किया? कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, कि मुख्यमंत्री जी के दस्तखत नहीं, कि मुख्यमंत्री जी तो कोई दस्तखत करते नहीं, हमको आदेश दिया। सिसोदिया जी से पूछा, मुख्यमंत्री जी के आदेश। फिर कहते हैं कि आपने 2 से 12% कमीशन बढ़ाया ठेकेदारों का, ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी, तो 2 महीने बाद इसको वापस क्यों लिया? फिर कि आपने 1,40,00,000 के 140 मोबाइल खरीदे और उनको 25 दिन उनका उपयोग किया और उनको डिलीट करके आपने उनको तोड़ के फेंक दिया। आईबी के डायरेक्टर ने कहा, मिस्टर सो एंड सो, ये चेन्नई के रेडिसन होटल के कमरा नंबर 603 में यू आर टेकिंग इतना अमाउंट का झोड़ा केसीआर की बेटी से ले रहे। फिर दूसरे आदमी से पूछा, 203 नंबर कमरे में ये ले। तो केवल नरेंद्र मोदी को गाली देना, केजरीवाल साहब मेरे यहां शिवानी के रहने वाले हैं, 200% झूठ, 200% कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। पिछले सारा कार्यकाल देखिए, गोवा में जाते हैं कि गोवा में 40 की विधानसभा है, 22 सीट हम जीत रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट है, एक सीट पर भी 5,000 वोट नहीं मिला। फिर श्रीमान जाते हैं उत्तराखंड के, 70 की विधानसभा है, हमारा आदमी 36 सीटें जीत रहा है, आईबी की रिपोर्ट, एक भी जगह जमानत। फिर श्रीमान हिमाचल जाते हैं, यही नाटक वहां करते हैं, फिर गुजरात जाते हैं, फिर चिट्ठी लिख के देते हैं कि गोपाल इटालियन जो नरेंद्र भाई मोदी को नीच कहता है, ये 3 आदमियों का वो रिकॉर्ड देते हैं, वो सब की जमानत सकते हैं। अभी भी सही बात कहने की सिवाय, अब पंजाब ने कल आपातकाल बैठक तो अपने मंत्रिमंडल की बुलाई होगा कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रही कि सरकार सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही, क्या कहेंगे? ये देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं ना, हुड्डा जी की तो बेचारे मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस में इनके ये सब कुटपुतली, ये जो सच्चाई है वो ये है, मैं पिछले इतिहास में 1 नवंबर 1966 में नहीं जाना चाहता, मैं उस धरती से संबंध रखता हूं, मेरा गांव दक्षिण हरियाणा के छोर पर प्यासा धरती का गांव है, और हमने 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लिया था, आप सब पत्रकारों की कलम ने सब कुछ लिखा था, उसमें धारा 7 और 9 के विरोध में हमारे नेताओं ने विधानसभाओं से इस्तीफा दिया, चौधरी देवीलाल जी ने दिया, डॉक्टर मंगल सेन जी ने दिया, संघर्ष समिति बनाई, देवीलाल जी अध्यक्ष हुए, डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट हुए, मैं उस संघर्ष समिति में सेक्रेटरी था, और कांग्रेस ने 30 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, भिंडरांवाले का आंदोलन था, वो सारा डिटेल छोड़िए, 25 जुलाई 1985 को समझौता हुआ, लोंगोवाल साहब की हत्या हो गई, हमने आंदोलन किया, 87 मई में चुनाव हुआ, हम 90 में से 85 विधानसभा सीटें जीते, ये जनमत संग्रह था,
हमारा आंदोलन सही था। उस के बाद भी हमारे यहां 87 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हुए, मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हुआ, पर 87 में केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी। 2000 में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कुरुक्षेत्र में सभा थी, उसका मैं चशम भी था। सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब में मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और मेरे को शब्द याद है श्रीमान वाजपेयी जी के भाई दक्षिणी हरियाणा की धरती की प्यास बुझाने के लिए वह पीने के पानी का संकट है, रावी व्यास का पानी पंजाब होते हुए पाकिस्तान जा सकता है, तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी रेवाड़ी ये बाड़ू रेत के टिपो में ये पानी क्यों नहीं जा सकता। और बादल साहब चौटाला जी दोनों मीटिंग करें, जरूरत समझे तो मुझे भी बुलाएं, ये शब्द। और फिर जो भी आया, ये कहना ये संविधान का अपमान है, चुनी हुई सरकार का ये कहना, भारत के सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। कप्तान अमरिंदर सिंह ने तो 13 तारीख को वो बुला करके वो विधानसभा का सारा उड़ाई दिया था। आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम हरियाणा के सब जनप्रतिनिधि, चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सब पार्टियों के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी से हम अपने हितों की रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो तीसरी बार हमारे हक में फैसला हुआ है इसको लागू कराने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से। एक राहुल गांधी देश में आए थे तो एक धान के खेत में गए थे, पुली का भी था, बढ़ई का भी काम कर रहे हैं, तो इन चीजों से क्या कुछ मिलेगा उनको राजनीतिक फायदा? आप तो काफी अनुभव है। नहीं नहीं, वो जो है ना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो नकल करते हैं पर अकल नहीं। वो नरेंद्र मोदी की नकल तो करते हैं, जैसे लोकसभा में किसी ने उनको कह दिया कि ये पारस की मणि है, तुम इनके पांव छूना, पांव छूना इनके बस की बात नहीं थी, गले मिल गए, और दूसरी तरह अपने लोगों को आंख मार। भारत के जो पत्रकार भूषण है वो फोटो की बोले यात्रा करो, बीजेपी यात्रा बहुत करती है, वो सावरकर के कभी अभी सोनीपत के खेत में धान लगाने के वो शेर के पट्टे ने जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए। आप देखो ना, एक आदमी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के खड़ी खा रहा है, इसमें क्या वो दिखाना चाहिए? राहुल गांधी इज ए कंफ्यूज्ड पर्सन, उनका उठना बैठना, उनका खड़े होना, उनका बोलना हिंदुस्तानी लगता ही नहीं है। उनके डीएनए में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है सर, भारत जोड़ने यात्रा मोहब्बत की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।